फरुख का बाद में दिल्ली मार्ग पर रोडवेज बस और डीसीएम की आमने सामने भिड़ंत हो जाने से डीसीएम चालक की मौके पर ही मौत हो गई और सड़क हादसे में आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका जिला अस्पताल राम मनोहर लोहिया में उपचार जारी है। पूरा मामला थाना नवाबगंज क्षेत्र के गाँव गंगलव के सामने फरुखाबाद दिल्ली मार्ग पर गंगलव के नजदीक कौशाम्बी डिपो की रोडवेज बस और डीसीएम में आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें डीसीएम चालक राजीव राठौर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रोडवेज बस में सवार बस ड्राइवर समेत 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल फरुखाबाद में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों के परिजनों के मुताबिक पुलिस प्रशासन दुर्घटना स्थल पर 2 घंटे बाद पहुंचा। बताया जा रहा है कि मृतक राजीव कायमगंज से डीसीएम वाहन लेकर बनारस जा रहा था, तभी गंगलव के नजदीक फरुखाबाद की ओर से आ रही कौशाम्बी डिपो की रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे डीसीएम चालक राजीव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक राजीव के 1 वर्षीय पुत्री भी है। घटना की सूचना पर एसडीएम कायमगंज और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुस्साए लोगों को समझाकर जाम को खुलवाया। इस दौरान लगभग 2 घंटे तक फरुखाबाद दिल्ली मार्ग बाधित रहा, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई थी। फरुखाबाद से संवाददाता समीउल्ला खान की रिपोर्ट। हमारा नाम राधेश है। ये घटना कैसे क्या हो गई है? गाड़ी लगी है, आ रहे थे गाड़ी लेके जी। फिर क्या हुआ? फिर अब क्या बताएं, हम तो मौके पे नहीं थे। अच्छा, इनके साथ में और कौन था? भाई है छोटा। कहाँ है वो? वो वहीं पड़े हैं आगे। सर एक्सीडेंट हुआ है सुकरुल्लापुर के पास रोडवेज और डीसीएम के भिड़ंत में, कितने लोग घायल हैं और क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ हॉस्पिटल से पता चला कि 6 आदमी घायल हैं, लेकिन जो अभी हमने आकर के यहाँ पर देखा है वो 3 लोग हमको यहाँ पर मिले हुए हैं और एक हमारा ड्राइवर है जी। कितने लोग सवार थे सर? 19 यात्री थे उस समय, जो है इस वक्त एक्सीडेंट हुआ था, कुल 19 यात्री थे। कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? ये गाड़ी जो है कौशाम्बी जा रही थी फरुखाबाद से। आदेश कुमार, ये आपके कौन है ये जो एक्सपायर हुए हैं? जीजा लगते हैं। आपके जीजा लगते हैं। घटना कैसे क्या हो गई है? एक्सीडेंट कौशाम्बी डिपो से इधर डीसीएम से। अच्छा, ये रोडवेज कहाँ से आ रही थी? ये फरुखाबाद से आ रही थी और ये दिल्ली से आ रहे थे, बनारस जा रहे थे। अच्छा, दिल्ली जा रहे, बनारस जा रहे थे। क्या नाम था इनका? राजीव। कहाँ रहने वाले हैं ये? कायम रहने वाले हैं। तो क्या प्रशासन अधिकारी कोई आया मौके पे? एसडीएम साहब है। अच्छा, एसडीएम साहब पड़े हुए हैं। क्या आश्वासन दिया आपको? क्या आश्वासन दिया आपको यहाँ पे? क्या कह रहे हैं? ये कहा है कि कानूनी कार्रवाई करवाएं। तो कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस आ गई। धीरेन्द्र, आप कहाँ रहने वाले हैं? पछलिया गाँव। अच्छा, घटना कैसे क्या हो गई है? रोड अपनी साइड आ रहा हूँ, उनकी साइड उसने ठोक दिया। अच्छा, ये रोड पे कहाँ जा रही थी? रोडवेज आ रहे थे इधर कायमगंज की तरफ, नीचे गाड़ी आ रही थी उधर से कायमगंज की तरफ। कायमगंज से रोड, मतलब ये डीसीएम आ रही थी। तो इसमें एक्सपायर कौन हुआ है? मतलब एक्सपायर हो गए हमारे चाचा के, वो हैं दमाद। चाचा, क्या नाम उनका? राजीव कुमार। आ रहे थे यहाँ बछलैया, मेरे चाचा हमारे बछलैया रहने वाले हैं, वो कायमगंज रहने वाले। अच्छा, ये कहाँ जा रहे थे डीसीएम लेके? डीसीएम लाके पता नहीं कहाँ जा रहे थे, घर पे बनारस जा रहे थे। तो क्या मौका पुलिस वगैरह आई, क्या लेखपाल वगैरह मोर्चा सोचे? नहीं, 6:30 बजे के करीब एक डीसीएम और रोडवेज बस के बीच में टक्कर हुई है, जिसमें करीब 8 लोग घायल हैं और 1 कैजुअल्टी की सूचना प्राप्त हो रही है। जो भी घायल है उनको अस्पताल, जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम लगा करके अच्छे से इलाज कराया जा रहा है। वहाँ पर सदर के मजिस्ट्रेट जो है वो भी पहुँचे हुए हैं और सबका अच्छे से, बाकी सब स्थिति सभी लोगों की सही है। तो सर, इनको क्या सरकारी सहायता मिल सकती है? जो भी सरकारी सहायता के लिए अनुमन्य होंगे सभी सरकारी सहायता इनको उपलब्ध कराई जाएगी। पहले बताया मैंने, 1 कैजुअल्टी की सूचना प्राप्त हो रही है, 8 लोग घायल। सुनने में आ रहा है कि रोड पे जो बस के ड्राइवर हैं उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। ये सब मौके पर मैं हूँ, मौके के बाद ये अगर अस्पताल में होंगे तो वहाँ के अस्पताल से सूचना प्राप्त होने के बाद ही। सर परिजन बता रहे हैं सूचना मिलने के 2 घंटे बाद प्रशासन आया है। घटना हुए भी अभी 2 घंटे हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है, 1 घंटे से ज़्यादा 1.5 घंटे तक मैं उपस्थित हूँ और मेरी फोर्स भी सभी मौके पर तत्काल उपस्थित है, सूचना मिलती है। सर, एक एक्सीडेंट आया था, क्या नाम था, क्या स्थिति है इसमें? ये जो जैसा कि बता रहे हैं वो कि वो डीसीएम में थे, एक तो लालू या अमरेश 45 साल, और दूसरा है राजीव, वो तो लालू या अमरेश तो ठीक है, दूसरा जो राजीव कुमार है वो डीसीएम का ड्राइवर बताया जा रहा है, वो मृत अवस्था में यहाँ पे लाया गया।
आज दिनांक 20/9/2021 को प्रातः सूचना मिली कि थाना नवाबगंज क्षेत्र के शुक्रुल्लापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास रोडवेज बस और डीसीएम में टक्कर हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स पहुंचकर घायलों को नामरोली अस्पताल रवाना किया गया और डीसीएम का चालक एक्सपायर हो गया मोर्चे रवाना किया गया। घायलों की सुचारू रूप से इलाज की व्यवस्था की गई तथा सभी परिजनों को सूचना दी जा रही है।